आईपीएल 2024 के लिए गुजरात टाइटंस बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने वाली इन चार खिलाड़ियों पर, यानी कि वो चार खिलाड़ी जो कि गुजरात टाइटंस में हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने वाले हैं। दरअसल एक ट्रेड हुई जिसमें कि 15 करोड़ रुपए खत्म हो गए किसके, एमआई के, क्योंकि एमआई ने गुजरात टाइटंस से हार्दिक पांड्या को वापस अपने खेमे में बुला लिया। हार्दिक पांड्या की घर वापसी हो गई है। ऐसे में अब एक तो कैप्टन, चलो उसके रिप्लेसमेंट तो आपने शुभमन गिल ढूंढ दिए, लेकिन एक ऑलराउंडर के रिप्लेसमेंट आपको चाहिए। आपको हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट चाहिए जिसके लिए आपके पास 35.15 करोड़ रुपए, यानी कि 35 करोड़ 15 लाख रुपए इनके पास है। ऐसे में वो कौन से खिलाड़ी होंगे जिनके ऊपर गुजरात टाइटंस बोली लगाएगी? चार खिलाड़ी हैं। पहला नाम आता है काइल जैमिसन का, न्यूजीलैंड के ये धाकड़ ऑलराउंडर काइल जैमिसन, इन पर गुजरात की नजरें रहेंगी। आईपीएल में काइल जैमिसन ने आरसीबी के लिए पहले अच्छा परफॉर्म किया था। एक तो कहते हैं ना, बॉलर तो है अच्छे, लेकिन हमें तो WTC याद है, बल्ले से भी कमाल दिखाया था। ये वो खिलाड़ी है जो गेंदबाजी और बल्लेबाजी, यानी कि प्रॉपर ऑलराउंडर है, और अब गुजरात टाइटंस की टीम ऑक्शन में उनके पीछे भाग सकती है और हार्दिक पांड्या की एक रिप्लेसमेंट के तौर पर उनको ला सकती है। दूसरा नाम एक और आरसीबी का ही खिलाड़ी, नाम है डेविड विले। डेविड विले वैसे तो बॉलर है, लेकिन ये हम सब जानते हैं कि वो बल्लेबाजी कर सकते हैं और कैसी बल्लेबाजी कर सकते हैं। लोअर मिडल ऑर्डर में आकर जो कहते हैं ना विस्फोटक बल्लेबाजी, वो आपको डेविड विले देते हैं। ऐसे में गुजरात टाइटंस, जिसने अभी अभी हार्दिक पांड्या को एज ऑलराउंडर खोया है, वो डेविड विले को एनरोप कर सकते हैं और 2 करोड़ के बेस प्राइस के साथ आते हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि डेविड विले के पीछे भी गुजरात टाइटंस जा सकते हैं। गेंदबाजी के लिए प्रॉपर बॉलिंग है उनके पास, प्लस वो बॉलिंग ऑलराउंडर आते हैं, अच्छी पेस से बॉलिंग करते हैं, बाउंसर्स के लिए अच्छे वाले मशहूर हैं वो। तो ऐसे में गुजरात टाइटंस उसी लेंथ के पीछे भागेगी, उसी लाइन के पीछे भागेगी और उसी बैटिंग के पीछे भागेगी जो फिनिशर के तौर पर चाहिए। वैसे डेविड मिलर इनके पास फिनिशर है, पर ये है कि हाँ, डेविड विले एक फिनिशिंग टच और दे सकते हैं। अगला खिलाड़ी नाम है एंजेलो मैथ्यूज, एक एक्सपीरियंस, मतलब पेट भर के एक्सपीरियंस के साथ ये खिलाड़ी आता है, नाम एंजेलो मैथ्यूज है, और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ऑक्शन के दौरान गुजरात टाइटंस एंजेलो मैथ्यूज को टारगेट कर सकती है। 2 करोड़ का बेस प्राइस है, आपके पास पैसा अच्छा खासा है, अब ऐसे में आप एंजेलो मैथ्यूज के पीछे जा सकते हैं। अभी T10 लीग खेल रहे हैं, वहां पर भी परफॉर्म कर रहे हैं, गेंदबाजी में आपको 4 ओवर पूरे करके देते हैं, बैटिंग में आप मिडल ऑर्डर में कर सकते हो और आप चाहो तो नंबर 4 पर भी खिला सकते हो, मतलब वो 4 से लेकर 6 तक के किसी भी पोजीशन पे आराम से खेल सकते हैं। और मैथ्यूज का T20 रिकॉर्ड काफी अच्छा, 196 T20 मैच का एक्सपीरियंस इनके पास है, 3247 रन है, वही बॉलिंग करते हुए 92 विकेट भी इनके पास है, तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है जिसको आप टारगेट कर सकते हैं। अगला नाम, आखिरी नाम, जेसन होल्डर। गुजरात टाइटन जेसन होल्डर के पीछे भी जा सकती है। बता दें कि ऑक्शन से पहले राजस्थान रॉयल ने जेसन होल्डर को रिलीज कर दिया है। अभी तक होल्डर ने आईपीएल में 46 मैच खेले जिसमें उन्होंने 259 रन बनाए और 53 विकेट अपने नाम किए हैं। ऑक्शन में अब गुजरात टाइटंस किसके पीछे भाग सकती है? बिल्कुल इनके पीछे भाग सकती है। ऐसे में ये 4 ऑप्शंस हैं जिनके पीछे गुजरात टाइटन्स भागती हुई नजर आएगी। बाकी स्क्वाड में डेविड मिलर है ही और फिनिशिंग के तौर पर, लेकिन आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, तो आपको क्या लगता है इन 4 में से वो कौन सा ऑलराउंडर होगा जिसके पीछे गुजरात टाइटंस भागेगी, जिसको गुजरात टाइटन ड्रॉप करने की कोशिश करेगी? अपना राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें।